नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक गलत है खास खबर का। हरियाणा में ठीक एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी सरकार का पार्ट टू चल रहा है। इन सालों में बीजेपी ने अपनी घोषणाओं के साथ कई वादे भी पूरे किए, तो वही 8 साल पूरे होने पर फरीदाबाद में जन उत्थान रैली निकाली जा रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और सीएम मनोहर लाल भी गृह मंत्री के साथ फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पत्रकारों से रूबरू होंगे और शाम को फरीदाबाद दौरे के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि जन उत्थान रैली को गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा के प्रभारी बिप्लव देव, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, मंत्री अनिल विज समेत अन्य मंत्री रैली को संबोधित करेंगे। जन उत्थान रैली में फरीदाबाद को क्या सौगात मिलने वाली है, इस सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 8 साल में मोदी और मनोहर ने शहर को बहुत कुछ दिया है, अब मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष कुछ और ही कहता है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, साथ ही किसानों को सरकार ने परेशान किया है, तो वहीं सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करें सफाई कर्मचारियों की तो वो भी सरकार से नाराज चल रहे हैं और पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब किसानों की बात करें तो वो भी आंदोलनरत रहे हैं और मंडी संबंधित बात करें तो आढ़तियों ने भी हड़ताल की। आखिर क्या खामियां हैं जो इतनी चेतावनी सरकार के सामने आ रही है, वहीं उपलब्धियां भी हैं लेकिन फिलहाल तो परेशानियां ज्यादा नजर आ रही हैं। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। हरियाणा में ठीक एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो जाएंगे और बीजेपी सरकार का पार्ट टू चल रहा है। वह इन सालों में बीजेपी ने अपनी घोषणाओं के साथ कई वादे भी पूरे किए। 8 साल पूरे होने पर फरीदाबाद में जन उत्थान रैली निकाली जा रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। वह इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर मोर, कांग्रेस प्रवक्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी, बीजेपी प्रवक्ता, और ओमकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी सरकार के प्रदेश में 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, कई नीतियां कई योजनाएं भी लागू की गई है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कई कर्मचारी जो है वो अभी भी धरने पर बैठे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ आगे समाधान किया जाएगा उनकी परेशानियों का? सबसे पहले तो जागृति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार के आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 3 साल से जेजेपी गठबंधन में भाजपा सरकार चला रही है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। जी, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की और एक बहुत बड़ी बात, अब डिलीवरी ऑफ वर्क हो चुका है। केवल बातों से नहीं कि हमने ये करना है, करना नहीं, करके दिखाया है जी। और आपकी उन बातों पर भी, उस पर मैं सवाल पर आऊंगा जो आपने कहा है कि सफाई कर्मचारियों का जो प्रदर्शन धरना चल रहा है या दूसरे लोगों की डिमांड है। देखिए, सबसे पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा समय समय पर ये कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहें कि सब कुछ हमने कर दिया है ऐसा हम दावा नहीं करते जी। एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। देखिए, सबसे पहला तो हरियाणा प्रदेश में जो भर्तियां थी वहां पर पर्ची और खर्ची चलती थी, उस पर क्षेत्रवाद, जातिवाद और मेरा और तेरा का नाता था, जिसको माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बिल्कुल शून्य कर दिया गया। किसी भी एक भर्ती में कहीं पर्ची और खर्ची का नाम नहीं। दूसरा, जो ट्रांसफर उद्योग चलता था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसियां हैं,
थोड़ी बहुत देखिए खामियां जरूर रहती हैं कहीं ना कहीं, उनको भी टेक्निकल खामियां हैं, उनको भी दूर करने का काम सरकार ने किया है। और बहुत कुछ जैसे टीचर्स का था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि विधायकों की यहां पर लाइन लगी रहती थी, खासतौर से अध्यापकों का गर्मी की छुट्टियों से पहले का सीन भी होता था, भीड़ लगी रहती थी। आज किसी तरह की कोई सिफारिश की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने ऑप्शन भरिए, उसमें चार या पांच ऑप्शन है, आप उन ऑप्शन को भरिए और ऑप्शन के अनुसार उसमें ट्रांसफर होता है। उसके अलावा जो प्रदेश का विकास है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90 की 90 विधानसभाएं, जबकि पहले मुख्यमंत्री क्या करते थे, केवल और केवल अपने जो पार्टी के विधायक होते थे उनके क्षेत्रों तक अपना ध्यान सीमित करते थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने माननीय मोदी जी के उस नारे को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसको पूर्ण किया। 90 की 90 विधानसभाओं में दो दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार गए, और अब इस टेन्योर का तो उससे भी अलग है, और जाकर के वहां अपने जो फंड्स देना है उनकी जरूरतों को जनता से सीधे तौर पर भी और चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत भी, पार्टी संगठन के मार्फत भी उन्होंने उन सारी बातों को जरूरतों को पूरा करने का काम किया। 90 की 90 विधानसभाओं में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिए उन्होंने जो सरकार के पैसे की एलोकेशन ना की हो। दूसरी बात डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटलाइजेशन है इसमें लगभग 246 तरह की सेवाओं को पोर्टल पर लाया गया, और मुख्यमंत्री जो पोर्टल पर शिकायतों का निपटारा है इतना त्वरित और इतना जो लोगों को लोक लुभावन रहा कि लोगों ने जो जहां तक कहते थे कि मैं सीएम विंडो पर अपनी शिकायत कर दूंगा तो वो उनका कहना मात्र भी बहुत हो गया और वो सारी शिकायतों का निदान आज तक हुआ। अलग से ओएसडी उसके नियुक्त हैं, अलग से अधिकारी उसके नियुक्त हैं जो उन शिकायतों का निदान करते हैं, जिला स्तर तक ब्लॉक स्तर तक के जो अधिकारी उसके लिए नियुक्त किए गए जैसे आरटीआई में किए जाते थे और उससे उनका निदान हुआ है। इसलिए चारों तरफ चहुमुखी विकास हुआ है, जेजेपी गठबंधन के साथ एक बेहतरीन तालमेल करते हुए इन तीन सालों में सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया है। जहां तक ये अभी आपने एक सवाल उठाया कि कुछ सफाई कर्मचारी अपने डिमांड्स को लेके बैठे हैं, देखिए ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, कर्मचारियों की डिमांड रहती है, उनकी मांगें आती हैं और सरकार निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव दिशा की तरफ उनको साथ बिठा करके उनके साथ बातचीत का एक माहौल बनाया है और उसको भी बहुत जल्दी सोल्व भी हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं को कर्मचारियों के साथ उनकी यूनियनों के साथ बैठ करके हमारे मंत्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर। जोगिंदर मोर जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को भी, प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, कई योजनाएं लागू की गई हैं, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको बीते 8 सालों में किस तरह का कार्यकाल रहा बीजेपी का? देखिए जब चौधरी उपेंद्र गुप्ता जी ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को सौंपी आई इसके पास जी, तो 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा सरकार से जी। इन्होंने 3,24,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो प्रदेश में चढ़ाने का काम किया है। कोई भी प्रदेश के अंदर बड़ा संस्थान इन्होंने नहीं खोला, कोई बड़ा संस्थान इनका नहीं हुआ। ठीक है, पर्ची खर्ची की बात करते हैं, इनके जो विधायक जो इनके समर्थित विधायक है उनके खुद बेटे ने इनके ऊपर आरोप लगाया, इनके एक मंत्री के ऊपर कि वहां मतलब रुपए लिए गए, ये अधिकारी इनके ऊपर मतलब जो एसपीएससी की उसमें इतना बड़ा पहली बार इतना बड़ा बोलचाल जो जीते हैं वो हुई सारी की सारी। और जो पोर्टल की जो बात करते हैं उस पोर्टल किसानों किस तरह से आज दिखते आ रही है, किस किस तरह से बेलगाम जो नौकरशाही है वो नजर आई पूरे के पूरे उसके अंदर। और आप देखिए किसान से लेकर किसान की आय दोगुनी करने की बात इन्होंने कही नहीं की, इन्होंने रोजगार देने की बात कही और हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी बेरोजगार देना तो दूर की बात, हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी पे नंबर एक पे पहुंचा दिया। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर ये कहते हैं कि टीचर इनकी जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से जहां पे शिक्षित नहीं होना चाहिए था वहां पे पहुंच गया और जहां पे शिक्षित होने चाहिए थे वहां पे शिक्षित नहीं पहुंचे,
स्कूलों के बाहर धरने प्रदर्शन पहली बार ऐसी सरकार है जिस सरकार के खिलाफ बच्चों ने प्रदर्शन किए। कर्मचारी वर्ग इनसे नाराज है। हरियाणा रोडवेज की जो हालत इन्होंने की उसकी अभी आपने हरियाणा रोडवेज की पहले जो हड़ताल थी वो देखी होगी। तो इन 8 सालों में और अपराध की उसमें खनन माफिया ने जिस तरीके से खुलेआम मतलब यहाँ पर डीएसपी तक की हत्या जो है इस प्रदेश में हुई और पहली बार विधायकों को धमकियां मिली, ये इनके प्रशासन की लतर व्यवस्था आप देखेंगे और प्रदेश को कर्ज में चढ़ाने के सिवाय सिवाय समारोह के आयोजनों की इस सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई प्रदेश को जो हरियाणा नंबर 1 था विकास के नाम पर विकास की पटड़ी से इस प्रदेश को उतारने का काम किया है। और आप देखिए एनबीसी के नेशनल जो मतलब क्राइम बोर्ड है वो उसके मतलब आंकड़े ये बता रहे हैं कि हरियाणा को बलात्कार के उसमें या अन्य अपराधों के उसमें आज हरियाणा और प्रदेशों से भी इस प्रकार से जो है आगे निकल चुका है। तो सारा का सारा जो है आप देखिए इन 8 सालों में इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किया है तो इस भाजपा की सरकार ने किया है। ओंकार सिंह जी आपसे भी जान लेंगे जिस तरह से जो है प्रदेश सरकार ने जो है 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, 8 साल कल जो है 27 तारीख को बीजेपी सरकार को पूरे हो जाएंगे और ऐसे में जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि कई योजनाएं लागू की गई हैं तो वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि जो है बीजेपी सरकार में किसान परेशान रहे, कई लोग परेशान रहे, लेकिन जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को उसके हौसले के लिए बधाई देता हूं कि ऐसी करप्ट और गंदी सरकार को 8 साल हो गए वो भोग रही है। इस जनता ने तो 5 साल पूरे होने पे इसको नकार दिया था। 40 सीटें आई थी इनकी, 47 की 40 रह गई थी, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ उस पार्टी ने जो ये कहते थे मोदी न्यूज है जो ये कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, ऐसी पार्टी जो बीजेपी के विरोध में वोट लेके आई और इनकी गोदी में बैठ गई, उस पार्टी की वजह से 3 साल से जनता भोग रही है, इनको भुगत रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि किस चीज की शाबाशी लेना चाहते हैं, कोई एक चीज तो बता दें, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ तो बताएं, परिवार पहचान पत्र, कितने लोगों की 3.5 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी इन्होंने परिवार पहचान पत्र में आय को प्रमाण बना के, कृषि बिल, कुछ तो बताएं क्या इनकी नशा रोकी विरोधी कामयाब हुई। और इस सबसे बड़ी बात, एक मंत्री है हरियाणा में जिसका नाम है अनिल विज, वो जहां जाता है तू भी सस्पेंड। एक श्वेत पत्र जारी कर दो, उसने आज तक कितने लोग सस्पेंड किए और कितने लोग दोबारा आ गए, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजों की सरकार है। और एक बात और कहूंगा, ये मंत्री जी अम्बाला कैंट में दरबार लगाते हैं, पूरे हरियाणा के लोग कहते हैं कि दरबार में आते हैं, और जागृति जी आप हैरान हो जाओगे, ये कहते हैं रात को 12 बजे तक 8000 लोगों की शिकायतें सुनी, 6000 लोगों की शिकायतें सुनी। पाटी जी जरा मंत्री जी से पूछना, एक व्यक्ति की शिकायत सुनने में अगर 1 मिनट लगाए, 1 मिनट सिर्फ सुनने में और शिकायत हल करने में, तो 8000 मिनट बनते हैं और इसका मतलब 5.5 दिन। तो मंत्री जी में कोई दैवीय शक्ति आ गई होगी जो इतनी इतनी शिकायतें कर सुनते हैं। और दूसरा, अगर प्रदेश भर में एक एक दिन में 8000 शिकायतें आ रही हैं, इसका मतलब जन जन दुखी है, सीधी सी बात है। अगर अच्छा राज होगा तो शिकायतें आएंगी नहीं। दूसरा, मेरे भाई अभी कह रहे थे पर्ची खर्ची बंद कर दी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। सेक्रेटरीएट में 1 करोड़ रुपए की अटैची किससे प्राप्त हुई थी, बाटी जी जरा ये भी बता दो। और दूसरा, अगर इनका इनकी सरकार इतनी ही काबिल सरकार है तो कृपया 2-4 श्वेत पत्र जारी कर दो। नंबर पहला जारी कर दो, आपने कितने पेपर लिए और कितने लीक हो गए जनता को पता लगे। दूसरा, आपने भाई भतीजावाद की बात करते हो, अरे भाई आदमपुर में तो आप देखो ना किसको खड़ा किया आपने, आपके पास कैंडिडेट ही नहीं भव्य बिश्नोई को, वहां परिवारवाद नहीं आता क्या। तीसरा, बेरोजगारी के ऊपर एक आंकड़ा फिक्स कर दें, कुछ श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों को इन्होंने पिछले 8 साल में रोजगार दिया, जनता भुगत रही है। और यह भी बता दें कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, हर रोज मर्डर होते हैं, कभी अटैची में जूती की लाश मिलती है, कभी कहां।
ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी की सरकार है जो ये आज ये नया एक शोषा इन्होंने उठा लिया कि नशाखोरों की संपत्ति पर पिंगला पंजा चलाएंगे चलाइए, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन एक ड्रामेबाजी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि 2024 में इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने तो 2019 में ही इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये ऐसी सरकार है, लेन देन की सरकार, सीबीआई, ईडी और इंकम टैक्स की सरकार, जो कहीं ना कहीं ड्रावा देके लोगों को अपने में शामिल कराते खुद समर्थन ले लेती है। राजनीति जी, एक बात कह के अपनी बात को पूरी करूंगा, ये सरकार, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन सेवाएं करनी शुरू करी इन्होंने, इंतकाल कहते हैं रजिस्ट्री के साथ होगा, जरा किसी तहसील में जाके देखिए इंतकाल रजिस्ट्री के साथ हो रहा है, अरे भ्रष्टाचार चरम पर है, तहसीलदार अपनी मन मर्जी से रजिस्ट्री करता है और कानून की जो धाराएं हैं उनको छाट पर रखकर रजिस्ट्री करता है, जाके जरा देखिए तो सही। आपको 2019 में वही जहां से शुरू हुई थी ना बीजेपी पार्टी, 2-4-3 सीटों पे वही वापसी आने वाली है। ये 8 साल जनता की बर्बादी के साल है। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता, 67,000 करोड़ था कर्ज जब बीजेपी की सरकार आई थी, आज 3,00,000 करोड़ से ऊपर हो गया। इसका मतलब कर्ज का पैसा लेकर घी पी रहे और विकास कहाँ हुआ है? किस जगह का विकास कहते हैं? कहते सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। कई प्रश्न आपने पूछे, कई आरोप आपने लगाए हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। हुकुम सिंह भाटी जी से दीजिए एक बात, सिर्फ एक वर्ग बता रहे, अगर आप अपनी बात कहते रह जाएंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे हुकुम सिंह भाटी जी? आपके प्रश्नों का वो जवाब कैसे देंगे? फिर समय नहीं रहेगा। हुकुम सिंह, आरोप यहां पर लगाए गए हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को शर्म सीमा पर बताया गया, बेरोजगारी को लेकर के कई प्रश्न यहां पर किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जागृति जी देखिए, मैं ओंकार सिंह जी की बात से ही शुरू करता हूं जी। ये तो मेरी आवाज ना डबल हो रही है मेरे को जी। बात ये है कि उन्होंने कहा कि पेंशन बंद कर दी, बिल्कुल ठीक कहा। ये दर्द इनेलो का भी है, ये दर्द कांग्रेस का भी है, और इसके अलावा केवल पेंशन नहीं, फर्जी दाखले, बच्चों के जो एडमिशंस थे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि उनको बहुत सारी किताबों की, वजीफे की और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जी। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी पेंशन, जो मैंने पहले ही कहा, डिजिटलाइजेशन माननीय मनोहर लाल जी का पहला, सबसे पहला काम था जो उन्होंने डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया, जिसमें जो फर्जी पेंशन थी वो फर्जी पेंशन बंद कराने का काम किया, फर्जी राशन कार्ड जो INLD और कांग्रेस ने मेरा और तेरा भाई और भतीजा बाद लेकर के बांटे हुए थे उसको बंद कराने का काम किया, फर्जी वृद्धावस्था पेंशन, ये इन सरकारों की कारगुजारी थी, क्योंकि इनका काम केवल मेरा तेरा करना था, देश का चहुमुखी विकास नहीं था। अब क्योंकि चहुमुखी विकास हुआ, मैंने कहा कि 90 की 90 विधानसभाओं में उनकी सड़क, पानी, सीवर, रोड, जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए पैसा दिया गया और वो काम कराए गए। ये कांग्रेस से और इनेलो से हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। अभी पीछे आप नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव हुए, इनकी क्या हालत कर दी कांग्रेस की, और INLD कहीं ढूंढने से नहीं मिले, कोई दूसरे कांग्रेस तो जो दूसरे लोग अपने अपने बूते जीत के आगे उनको अपना बता रहे हैं, और जिनका इन्होंने प्रचार किया वो ढूंढे से नहीं मिले। INLD का ले दे के कोई एकाध कोई जीत गया, वैसे ही INLD के पास कुछ हरियाणा प्रदेश में है नहीं। केवल और केवल ये लोग विरोध करने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अनिल विज जी की बात कर रहे थे, अनिल विज जी एक पीड़ित और गरीबों के मसीहा हैं। ओंकार सिंह जी, आप जो बात समझ रहे हैं, आपने पता नहीं कितनी शिकायतें गिनवा दी। मुझे आज भी याद है चौटाला साहब एक खुला दरबार के रूप में एक जो है वो एक झूठा प्रदर्शन करते थे, उसमें मेरे को भी जाने का मौका मिला, और उस खुले दरबार में क्या होता था, केवल INLD के वर्कर को बुला करके उनकी पर्ची जो है वो अधिकारियों को सौंप दी, इनका काम कर देना, बाकी को जनता को ठीक है हो जाएगा, इतना कह करके टालते थे। तो ये सब जनता ने भुगता है और देखा है। कांग्रेस के समय चाहे CLU की व्यवस्था हो, चाहे दूसरा ट्रांसफर की व्यवस्था हो,
बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। अभी मेरे भाई कांग्रेस के पता नहीं क्या क्या जो है वो इल्जाम लगा रहे थे। आज आप अगर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, महिला थाने, आज महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, आज पूरे प्रदेश में हर जिले में महिला थाने काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने का काम किया है। दूसरी बात, जो अपराधी थे सलाखों के पीछे किसने किए, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ये जो जो बिल्कुल ठीक कहते हैं ओंकार जी और मेरे कांग्रेस के साथी, क्योंकि नूरा पुष्टि करते हैं एक ही है अंदर से दोनों, हम तो हमेशा कहते रहे हैं और इनके वक्तव्यों से भी यही बात आती है। एक भी जो लोग पेपर लीक कराते थे, एक को कांग्रेस ने पकड़ा हो या इनेलो ने अपने चार साल के पांच साल के शासन में पकड़ा हो तो बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों की इनसे मिली भगत होती थी, ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, इसलिए इनको ये आज जो अच्छा काम प्रदेश में हो रहा अभाव है। जोगिंदर मोर्जी से भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जोगिंदर मोर्जी जो है तरक्की खुशहाली की तरफ बढ़ाए, देश भी प्रदेश की तरह आगे बढ़ाए। जोगिंदर मोर्जी आप तक मेरी आवाज आ रही है। हुकुम सिंह भाटी जी का कहना है कि उनके कार्यकाल में तो जो है महिला सुरक्षा पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है, भ्रष्टाचार पर जो है हमेशा सरकार ने कार्रवाई की है, उस पर काबू किया क्या है। और वही ये भी कहना है कि इनेलो और कांग्रेस तो हमेशा ही साथ लड़के जो है सवाल जवाब करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर। ओंकार सिंह जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हुकुम सिंह भाटी जी ने तो जवाब दिया है। जी जरा आवाज खोल दो जागृति जी, इनकी आवाज बंद हो रही है। व्यवस्था को ऐसा बना दिया है जैसे किसी तोप का लाइसेंस लेना हो, जो नियमित खसरा नंबर है उनकी रजिस्ट्री भी इन्होंने बंद कर दी और इनके मंत्री संतरी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। मैं स्वयं माननीय उच्च न्यायालय में गया, वहां रिट लगाई, जहां से संबंधित पक्षों को, डीसी को, एफसीआर को, तहसीलदार को, डीटीपी को, डायरेक्टर को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद जो खसरा नंबर नियमित किए थे उनकी नियमित रजिस्ट्री खुली। आज भ्रष्टाचार चाहे नगर परिषद में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे पुलिस स्टेशन में चले जाओ, चाहे बिजली बोर्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। और एक बात और कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड में बिजली के बिलों में एक नया चार्ज लग के आ रहा है, नॉन एनर्जी चार्जेस। मैंने एसडीओ से पूछा, भाई ये क्या चीज है, उन्होंने बोला जब आपने 30-40 साल पहले मीटर लगवाया था उस वक्त आपकी सिक्योरिटी कम थी, ये सिक्योरिटी बार तू ले रहे हैं। सोचिए जरा जागृति जी, ये जनता को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। और एक चीज और, कमेटी में एनडीसी इशू होती है, ये बता दें एनडीसी का क्या प्रोसेस है, इनको पता ही नहीं है जनता कहां परेशान हो रही है। लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, बाकी भी कभी गए हो नगर परिषद में, कभी गए हो तहसील में, देखा वहां पे क्या व्यवस्था है, अरे कहीं बिजली बोर्ड में देखा। जोगिंदर मोर्जी से भी जान लेते हैं। जोगिंदर मोर्जी, हुकुम सिंह भाटी जी का कहना है कि लगातार उनके कार्यकाल में जो है अपराध पर अंकुश लगाया गया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के समय पर जो है अपराध चरम पर था, उस पर भी अंकुश लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर। देखिए, एक आरोप लगाना, कहा था कांग्रेस में किस प्रकार का भ्रष्टाचार, पर्ची करती कहने की बात कही है जी ये। और आज इनके तो विधायक के, जिस विधायक के समर्थन से सरकार चल रही है, उस विधायक के बेटे ने आरोप लगाया है कि फलाना फलाना मंत्री ने मेरे से इंस्पेक्टर की उस भर्ती में 50 लाख रुपए, एसपीएससी के सेक्रेटरी पकड़े गए हैं पूरे के पूरे मतलब रिश्वत लेते हुए। और ओंकार जी जो बात कह रहे थे उस बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं, एक पेपर इनका ऐसा नहीं हुआ जो पेपर लीक ना हुआ हो, बिना भ्रष्टाचार के, बिना ऊपर की मिली भगत के पेपर लीक हो कैसे सकता है। पहली ऐसी सरकार है जिसके अंदर मतलब उस स्तरीय जो पेपर है वो लीक होने के काम हुए हैं, और मर्डर के नाम पर 4800 स्कूल बंद करने का, शिक्षा के उसने बंद करने का काम किया है कांग्रेस की सरकार में। इस प्रदेश के अंदर आईआईएम आए, एम्स जैसे जो इंस्टीट्यूशन जो आए, इन्होंने हाँ कुछ योजनाओं का आईएमटी के नाम पे जो एक बार कांग्रेस के टाइम पे की थी उसका शिलान्यास करने का जरूर काम किया है,
कुछ योजनाओं के शिलान्यास। जोगिंदर मोहन जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोगिंदर मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़कर चर्चा करने के लिए। तो खास खबर में आपने देखा जहां प्रदेश सरकार का 8 साल का कार्यकाल कल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में जहां विपक्ष का लगातार यह आरोप रहा है कि हर वर्ग सरकार से परेशान है, तो वही सरकार का भी कहना है कि कई परियोजनाएं उनके द्वारा लागू की गई, कई योजनाएं, कई नीतियां, जनकल्याणकारी नीतियां जो है वो जनता के हित में जो है सरकार द्वारा लागू की गई है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।